अभी होली गया तो होली में एक आपका सॉन्ग आया था जिसमें बहुत पॉलिटिकल और बहुत क्रिएटिव टाइप मुझे बहुत पसंद आया। उस जी गाने को कैसे तैयारी की गई थी और वो कुछ नया लगा, क्या कहेंगे उसको? वो गाना सबको अच्छा लगा, और उस गाने के पीछे कहानी सिर्फ इतनी सी थी कि जो लोगों के दिल दिमाग में चलता है उसी को हम लोगों ने उतार दिया था गाने में। होता क्या है कि अब मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में गया हूँ तो इस वजह से बहुत लोग नाराज़ रहते हैं। उनका कहना है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले गए, तो इस वजह से उनको लगता है कि ना ना ये फालतू हीरो है, इसकी इससे बढ़िया तो खेसारी है, ये बेकार है। जो लोग कल तक क्या आज भी वो मेरी फिल्में देखते हैं मुझे पता है फिर भी उनको ना 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 ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी में चला गया तो ये फालतू हीरो है, तो उनके मन की बात है। उसके अलावा बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि चुनाव जब आता है या जब राजनीति की बात आती है तो वो अपने अपने पार्टी अपने अपने नेता को लेकर के इतना ज़्यादा वो लोग सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो आपस में लड़ जाते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि पार्टियाँ नेता ये सब अलग अलग विचारधारा है, और उसके अलावा ये सब लोग एक ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है। अब आज आप देखेंगे तो अगर बहुत ऊपर लेवल पे जाएंगे तो किसी राष्ट्रीय नेता से कोई अनबन नहीं है, कोई वो नहीं है, पर ये कार्यकर्ता जो होते हैं ये जान देने को तैयार है, ये लड़ने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को मैंने उठा करके गाने में रखा था। मुझे ऐसा लगा कि सर बहुत दिन से इलेक्शन लड़ने के बाद काफ़ी गैप रह गया, चुनाव करने के बाद मिस कर रहे होंगे कि फिर से इलेक्शन रहे तो ये गाना बन जाता। नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो मैं दिल्ली का, दिल्ली के चुनाव में भी था, झारखंड के चुनाव में था, मैं हरियाणा के चुनाव में था। अभी दिल्ली में दंगा हुआ था तो उसके लिए क्या कहेंगे और लोगों को क्या सुझाव देंगे? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, और मैं खुद जब चुनाव लड़ रहा था तब भी ये बात कह रहा था कि आप किसको वोट देते हैं, आप किसको अपना नेता चुनते हैं, ये आपकी मर्जी है, एकदम से ये आपका डिसीजन है। आप अपने डिसीजन को किसी और पे थोपिए मत। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो मान लो आप, या मैं ही सही हूँ, यार हो सकता है मैं गलत हूँ, आपको जो सही लगता है वो करो। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दो। आपको केजरीवाल पसंद है कि आपको मोदी जी पसंद है कि राहुल गांधी पसंद है कि ममता जी पसंद है, आपको जो पसंद है वो बटन दबा दो, बस बात इतनी सी है। उसके लिए किसी की गर्दन दबाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे पत्थर चलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मारने पीटने की ज़रूरत नहीं है। तो बात इतनी सी है कि आपको जो अच्छा लगता है आप अपनी राय दे दीजिए, मत दे दीजिए, पर इसके लिए आप लड़िए मत, झगड़िए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लड़ते हैं झगड़ते हैं तो नुकसान आपका होता है। ना कोई नेता वहाँ मरने आता है, ना किसी नेता की कोई संपत्ति वहाँ नष्ट होती है, आपकी संपत्ति नष्ट होती है। आप जब किसी दुकान को जलाते हैं तो वो भी किसी गरीब आदमी की ही दुकान है, वो किसी धर्म का हो, किसी परिवार का हो, किसी भी जाति का हो, वो भी गरीब आदमी, आप उसका जलाते हो, फिर कोई लोग आते हैं किसी और धर्म के लोगों का जलाते हैं, नुकसान किसका होता है? फाइनली आम आदमी का होता है जो अपनी रोजी रोटी अपनी मेहनत से कमाता है। और इसको आप करते किसके लिए हैं? ऐसे लोगों के लिए जिनको आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको अपने सत्ता से मतलब है, अपने गद्दी से मतलब है। तो इतना तो जनता को समझना चाहिए कि भाई आप लोग भी अपना ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें, और किसी भी वजह से आपस में ना लड़ें, क्योंकि ये चुनाव आते जाते रहते हैं, ये सत्ता बदलती रहती है, आज ये है कल वो रहेगा, कल कोई और हो जाएगा, पर इस चक्कर में आप अपनों को जिनके साथ आप रोज रहते हैं, जिस बाजार में आप जिनके साथ में रोज उठना बैठना है, खाना पीना है, हंसना बोलना है, उनसे आप कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, कभी भी नहीं होना चाहिए। और इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है। तो आप अगर एक इंसान को मार सकते हैं, एक इंसान को परेशान कर सकते हैं, तो किस बात आपकी? तो मुझे लगता है कि आप किसी धर्म के लायक नहीं हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपस में प्रेम रखिए,
और लड़िए झगड़िए मत। आपकी जो भी राह है, आप किस धर्म को मानते हैं, किस जाति को मानते हैं, किस नेता को मानते हैं, वो बहुत अलग बात है। इस बात के लिए आप अपनी राय अपने तक रखिए, किसी और पे मत थोपिए कि तुम भी इसी धर्म को मानो, तुम भी इसी नेता को मानो, तुम भी इसी पार्टी को मानो। ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।